तो जैसे कि हम बात कर रहे थे डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस की, हमने देखा जी कि आप इनवर्स हाइपरबोलिक जो फंक्शंस हैं उनको किस तरह से डिराइव करते हैं। हमने साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स का जो फार्मूला था वो डिराइव किया, वो किस तरह से आता है, ठीक है, उससे हमने बात की, ठीक है। इसी तरह हमने उसकी बेसिस के ऊपर हमने जस्ट कोसाइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स का डायरेक्टली लिख दिया, फिर टैन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स का डायरेक्टली लिख दिया। इसी तरह से आपके पास जो अदर फार्मूलाए हैं, ठीक है, उनको अगर आप देखें तो आपके पास है अगर आप डराइव करते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ कोटेंजेंट हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ एक्स, इसको हाइपरबोलिक कोटेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स भी बोला जा सकता है, ठीक है। ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल होगा 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरह से डी बाय डी एक्स ऑफ सीकेंट हाइपरबोलिक, जो कि कॉस का अपोजिट इनवर्स है, ठीक है, कॉस का अपोजिट है सीकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ एक्स, ये किसके इक्वल हो जाएगा -1/(x स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरह से अगर आप डेरिवेटिव फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कोसेकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ एक्स, कोसेकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ एक्स का अगर आप फाइंड आउट करना चाह रहे हैं वो किसके इक्वल हो जाएगा -1/(x स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब लेट्स से अगर आपके क्वेश्चन ले लें, लेट्स से अगर हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन है हमारे पास इफ y इज इक्वल टू कोसाइन हाइपरबोलिक इनवर्स सीकेंट एक्स के, ठीक है, तो फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, हमने फाइंड आउट करना है डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो अब सपोज कर लें चेन रूल के साथ करेंगे हम इसको, चेन रूल के तहत अगर हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो बाय चेन रूल ये क्वेश्चन रीशेप हो जाएगा इफ यू इज इक्वल टू सीकेंट एक्स देन y इज इक्वल टू हो जाएगा कोसेकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ u, ठीक है, जिसको अगर आप विद रिस्पेक्ट टू u डिफरेंशिएट करें तो dy by dx इज इक्वल टू आ जाएगा 1/(x स्क्वायर रूट ऑफ u स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। अब आप यहाँ पे और जो अप्लाई कर लें du by dx को करें, du by dx, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे देखिए दो फंक्शन है, फंक्शन नंबर 1 है, ये फंक्शन नंबर 2 है। आपने बेसिकली ये कंपोजिट फंक्शन था तो इसको हम बाय चेन रूल सॉल्व करें, बाय चेन रूल, ठीक है। इसमें ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं व्हाट इज चेन रूल। यहाँ पे देखें सीकेंट एक्स अगर आप डिराइव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू यू को अगर आप डिराइव करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, तो डी यू बाई डी एक्स आ जाएगा। सीकेंट एक्स का क्या होता है, सीकेंट एक्स होता है सीकेंट एक्स टैन एक्स, ठीक है, सीकेंट एक्स टैन एक्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम ऑलरेडी जो है वो एक्सप्लेन कर चुके हैं। सो इनके डी वाई बाई डी एक्स हमने फाइंड आउट करना है, डी वाई बाई डी एक्स ये किसके इक्वल हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स टाइम्स डी एक्स बाई डी यू, ठीक है, डी एक्स बाई डी यहाँ पे देखें डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल हो जाएगा डी वाई बाई डी यू, सॉरी हमने यहाँ पे गलत लिखा, डी वाई बाई डी यू इंटू डी यू बाई dx, ठीक है, du by dx। अब चूंकि देखें du से कैंसिल आउट, तो बेसिकली dy by dx है, हमारे पास इनकी वैल्यूज मौजूद हैं, इसका मतलब है दिस विल बी इक्वल dy by du किसके इक्वल है 1/(x स्क्वायर रूट ऑफ u स्क्वायर माइनस 1 इनटू du by dx। हमारे पास du by dx यहाँ पे मौजूद है, दिस इज du by dx, ठीक है, जो कि है सीकेंट एक्स tan x, secant x tangent x। अब what is 1/(x square root of u किसके इक्वल है, u तो इक्वल है secant x से, तो ये हो जाएगा secant square x minus 1 into secant x tangent x। यहाँ पे अगर आप देखें तो this is going to be equal to, यहाँ पे मैं separation draw कर देता हूँ, ठीक है, this is going to be equal to ये किसके बराबर हो जाएगा 1/(x -1, ये किसके इक्वल होता है टेंजेंट स्क्वायर एक्स, ठीक है, ये किसके इक्वल होता है टेंजेंट स्क्वायर एक्स। ये आप ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के तरह पढ़ के आ चुके हैं 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स, ठीक है, 1 प्लस सीकेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर, 1 प्लस सीकेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर एक्स, ठीक है। सो दैट मीन्स कि आपके पास अगर आपके पास सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे हम गलत लिख रहे हैं, बेसिकली ये क्या है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो अगर 1 इधर चला जाए तो सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 किसके इक्वल होगा, टेंजेंट स्क्वायर एक्स के। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये आगे सीकेंड एक्स टेन एक्स एज इट इज, सीकेंड एक्स टेन एक्स एज इट इज, ठीक है। अब टेन एक्स जो है स्क्वायर रूट से कैंसिल, अब यहाँ पे टेन एक्स रह गया, वो सिर्फ टेन एक्स से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू सीकेंड एक्स, किसके इक्वल आ जाएगा सीकेंड एक्स। इसका मतलब है डी बाई डी एक्स ऑफ कोसाइन हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ एक्स, सॉरी इनवर्स ऑफ सीकेंड एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, किसके इक्वल आ जाएगा, इस सारे का डेरिवेटिव किसके इक्वल आ जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू सीकेंड एक्स। मीन के इस गिवन फंक्शन की, इस गिवन फंक्शन को अगर आप प्लॉट करें और आप उसकी किसी भी पॉइंट, कुछ ग्राफ पे किसी भी पॉइंट पे स्लोप फाइंड आउट करनी हो, तो दैट इज इक्वल टू सीकेंड ऑफ एक्स के।